हाय गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी डिजाइनर मेरा चैनल में आपको ऑनलाइन फैशन डिजाइनिंग कोर्स उसके साथ टेलरिंग डिटेल मेजरमेंट ब्लाउज़ का ड्राफ्टिंग कटिंग स्टिचिंग ये सब साथ में सिखा रही हूँ आपको सलवार की कटिंग में कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो उसके लिए भी मैंने वीडियो बना के रखा है ऊपर आई बटन में दे रही हूँ क्लिक करके चेक कर लो आप पहला बार मेरा चैनल देख रहे हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके ये वीडियो को लाइक करो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड आज हम देखने वाले एक यूनिक एंड ट्रेंडिंग नेक डिज़ाइन चलो इसका आपको कैसा सिलाने करके बताती हूँ हम पाइपिंग के लिए कैसा क्रॉस पट्टी कट करके निकालते हैं ऐसे आपको क्रॉस पट्टी कट करके निकालना है ये क्रॉस पट्टी कट करके निकालने के बाद ये पट्टी को सबको साथ में रख के सिल के ले लो बीच में आपको सिलने समय में एक इम्पॉर्टेंट टिप्स भी बताती हूँ ताकि आपको सिलने समय वो ज़्यादा काम आएगा ये पट्टी सबको हम एक साथ सिल के लेने के बाद इसको पीछे ऐसा टर्न करके अभी एक किनारी आधा इंच पे एक सिलाई करके लेना है आप पहला बार मेरा चैनल देख रहे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दो ये पट्टी पूरा ऐसा सिल के होने के बाद इसको हम कट करके निकाल देंगे ये वाला साइड को भी आपको पैक करके सिलाई करके लेना है क्योंकि हमको इसको अंदर से टर्न करके बाहर निकालना है इसलिए इसको भी सिलाई करके ले लो अभी हम आज की टेलरिंग का टिप्स देखने वाले हैं ये देखो आप हमेशा ऐसा बडी वाली पट्टी सिल के लेने समय स्क्रूड्राइवर यूज करके उसको पीछे साइड में टर्न करके ले लो आप सुई से भी टर्न करके ले सकते हो बट वो थोड़ा डिफिकल्टीस हो सकता है बट स्क्रूड्राइवर का मदद से करेगा तो बहुत आसानी से आपको ये टर्न होके बाहर आ जाएगा इसको हम टर्न करके बाहर निकालने के बाद ये पट्टी को आपको आयन करके लेना है और आयन करने समय आपको ध्यान देना है ये पट्टी को आपको सिलाई बीच में आना चाहिए उसी हिसाब से डाल के इसको आयन करके ले लो देखो बताती हूँ ये पहला ये पट्टी आपको सीधा सिलाई पे रहेगा हाथ से इसको पकड़ के ऐसा ये सिलाई को बीच में लेके आना है ये देखो मैं कैसा इसको बीच में लेके आ रही हूँ ऐसे ही आपको एक साइड ही सिलाई दिखना चाहिए दूसरा साइड आपको प्लेन दिखना चाहिए ऐसा आप देख के ये वाला सिलाई बीच में आना चाहिए ऐसा ओपन करने के बाद इसको आयन करके ले लो देखो मैं कैसा आयन करके निकाल रही हूँ ऐसे आपको आयन करके लेना है इसको ऐसा आयन करके लेने के बाद हमारा मेन सिलाने वाला चुड़ीदार पीस ले लो अब इसमें आपको ये पट्टी को रख के कैसा डिजाइन देना करके बताती हूँ हमारा चुड़ीदार की गले पे इसको ऐसा सीधा रख के पहला आधा इंच में सिलाई करके ले लो क्योंकि आपको शोल्डर सिलने समय इसमें, इसमें कुछ डिफिकल्ट नहीं आना चाहिए इसके बाद आपको हम कैसा प्लीट्स लगाते हैं ऐसा पहला ऊपर से आधा इंच का एक प्लिट्स ले लो और नीचे से भी आधा इंच का एक प्लीट ले लो बॉक्स प्लीट्स कैसा लगाते हैं वैसे ही ये देखो ऊपर से आधा इंच और नीचे से आधा इंच ऐसा लेके अब इसको सीधा सिलाई करके ले लो दोनों का बीच में आपको गैप नहीं छोड़ना है कंटिन्यू करते जाना है गैप छोड़ेगा तो ये डिजाइन आपको बराबर नहीं बैठेगा इसको नीचे भी ऐसे ही सेम आपको गैप नहीं छोड़ना है ऐसे आपको कंटिन्यू करते आना है मेरा चैनल में आपको कुछ नया सीखने के लिए मिला रहेगा तो जरूर मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो ताकि मैं ऐसे वीडियो सबके लिए लेके आ सकती हूँ ये गोल कर रहा है तो इसकी वजह से आपको टर्निंग पॉइंट में थोड़ा ध्यान रख के आपको सिल के लेके आना है ऐसे हमको हमारा पूरा गला तक फिनिशिंग करके लेके आना है ब्लाउज में इनविजिबल हुक पट्टी एंड आई पट्टी कैसा सिलाना करके मैंने वीडियो बना के रखा है वो वीडियो आपको चाहिए तो ऊपर में आई बटन में दे रही हूँ क्लिक करके चेक कर लो ये डिजाइन पूरा होने के बाद इसको कट करके निकाल देंगे निकालने के बाद मोती रख के ये वाला पट्टी को हम कैसा फ्लावर में डिजाइन देने वाले करके देखेंगे हमने बॉक्स जैसा सिल के लिया था ना वो दोनों को बीच में आपको फोल्ड करके बराबर ये सिलाई के बीच में लेके आके इसमें आपको मोती लगा के सिल के लेना है ध्यान से देखो वापस एक बार मैं बताती हूँ ये देखो ऊपर का हमारा एक मोती हो गया है अभी नीचे वाला बताने वाली देखो ये थोड़ा आपको डिफिकल्ट रहेगा क्योंकि ये ऊपर का सिलाई है बीच बीच में सिलने समय आपको आसानी से सुई बाहर आ जाएगा ये देखो ये दोनों को ऐसा हाथ से पकड़ के बीच में रख के अभी ये बीच में रखा है ना इसको आपको बीच में अंदर सुई घुसा के मोती रख के सिलाई करके ले लो अभी नीचे वाला भी सेम ऐसे से आपको कंटिन्यू करते सिल के लेके आना है ये देखो मैं नीचे वाला भी सिला के बताती हूँ ये वाली डिजाइन आपको बहुत इजी भी रहेगा और दिखने समय बहुत अच्छा भी दिखेगा तो ये एक बार जरूर ट्राई करके मुझे नीचे कमेंट करो आपको कैसा आया करके पूरा होने के बाद आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ देखो कितना खूबसूरत और अच्छा भी दिख रहा है करके इसका टॉप कटिंग वीडियो चाहिए तो वो भी नीचे जरूर कमेंट करो मेरा नेक्स्ट वीडियो इसका टॉप कटिंग का वीडियो मैं आपके लिए लेके आएगी मेरा चैनल आपको पसंद आया तो जरूर मेरा चैनल को सब्सक्राइब करो लाइक करो कमेंट करो शेयर करो ऐसे ही मुझे सपोर्ट करो ताकि मैं ऐसे ही वीडियोज आपके लिए लेके आ सकती हूँ थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टे कनेक्टेड विथ बी एस डिजाइनर फोर्टी साइज प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की वीडियो चाहिए तो ये वाला वीडियो क्लिक करके चेक कर लो